इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इसको बनाने इंजीनियरिंग ड्राइंग को बनाने के लिए हमको क्या क्या चीज चाहिए, जिस पर हम बताए थे चाय बनाने के लिए क्या चीज चाहिए, उसी प्रकार हमको ड्राइंग बनाने के लिए हमको क्या क्या कौन कौन सा टूल्स और कौन कौन सा मटेरियल की जरूरत पड़ता है उसको, यही चीज हम यहाँ पे दिखाए हैं। यहाँ 20 मटेरियल और 20 मतलब सब मिलाकर टूल्स और मटेरियल इक्विपमेंट मिलाकर के 20 को दिखाए हैं, जिसमें कि सबका फिगर, जैसे कि ये हमारा मिनी ड्राफ्टर है, मिनी ड्राफ्टर पे ये आर्म होता है, इसको ये फिक्स कर दिया जाता है बोर्ड में, और इसको हम कहीं भी फोल्ड करके बोर्ड के ऊपर हम इसको फोल्ड करके घसकाते हैं, और इसके बाद इससे सारा ड्राइंग बनाना आसान हो जाता है। ठीक है, ये फ्रेंच कर्व है, फ्रेंच कर्व से हम कर्व को खींचने के लिए एक प्रकार का औजार है, इससे हम छोटा सा कर्व कहीं पे बनाना है तो हमको कंपास का जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, कंपास नहीं लगा करके इसको रख करके हम हल्का सा कहीं पे कर्व बना लेते हैं, जिससे हमको आसानी होता है, समय कम लगता है उस जगह पे कर्व निकालने के लिए इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा स्केल है, स्केल अलग अलग तरह का होता है, इसीलिए स्केल में अगर हम इसको ब्रेक कर देते हैं ऐसे कर देंगे तो इसका मतलब है कि स्केल की लंबाई और भी है। हाँ जी सर, ठीक है, इस स्केल की लंबाई को दिखाने के लिए हम लोग इसको ब्रेकिंग करते हैं, और ब्रेकिंग ब्रेक करके दिखाते हैं कि ये हमारा ये तोड़ के दिखा दिए कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे यहाँ से यहाँ तक हमको 30 mm लाना है, 30 cm अगर ये है तो 30 के लिए यहाँ से हमको मान लिया कि हमको 10 तक आया, और यहाँ से 30 तो पूरे का नहीं, तो अब ये ब्रेक करके दिखा लेंगे तो यहाँ पे 30 29 28 27 26 ऐसे कर करके हम ला के यहाँ इन कर देंगे, मान लिया यहाँ पे आके 21 हुआ लेकिन यहाँ से आ रहा था जी सर, तो ये ब्रेक दिखाने का मतलब है कि लंबा है जी सर, आगे और ठीक है, और भी है बीच पे, बीच पे इसको ब्रेकिंग दिखाने का ही मतलब यही है कि हम इसको इसका लंबाई है। ठीक है, अधिक लंबाई को कम में दिखाने के लिए ब्रेक करते हैं। ठीक है, इसी को शॉर्ट में हम लोग ब्रेकिंग में लॉन्ग ब्रेक शॉर्ट ब्रेक पढ़ते हैं ना, तो ब्रेकिंग दिखाते हैं। हाँ, तो शॉर्ट ब्रेक लॉन्ग ब्रेक जो सैंपल बताएंगे, इरेजर हो गया, शार्पनर हो गया, इसको बनाने का जो तरीका जो बताया शॉर्टकट तरीका जो बताया है, उस शॉर्टकट तरीके से अगर हम बनाएंगे तो आसानी से बनेगा। ड्राइंग बोर्ड भी बनाने का तरीका बता सकते हैं इतना आसानी से बना, तो सारा इसमें सारा पार्ट को दर्शाना है, सारा पार्ट को दिखाएंगे। ड्राइंग पर रंगबोर्ड बना करके बॉडी है, स्क्रू है, ये दोनों बैठक हो गया, और ये वर्किंग वर्किंग है। ठीक है, इस तरह से हम इसको बना करके बनाते हैं, और ये जो है बोर्ड का कौन कौन सा साइज होता है, साइजर का कितने तरह का कितने साइज का बोर्ड हम लोग यूज करते हैं इंजीनियरिंग में, ये साइज है ये D1 D2 D3 और D0 जो सबसे बड़ा साइज है 1500 × 1000 × 2500 उससे भी छोटा होता है जो 700, 500 और 1500, और सबसे जो छोटा होता है हम लोग 500 × 300। ये इस तरह से हम लोग बोर्ड को हम बांटे हैं ग्रेड, इसको D1 D2 D3 और D0 तक। ठीक है।